आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। चित्तौड़गढ़ जिले की एकमात्र आरक्षित सीट कपासन से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन लालजी नगर ने अपने हजारों समर्थकों के साथ शुभ मुहूर्त में नामांकन दाखिल किया। शुक्रवार को बीजेपी की ओर से कपासन उम्मीदवार अर्जुन लालजी नगर ने दोपहर रिटर्निंग अधिकारी महावीर प्रसाद नायक के सामने पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ता व अपने समर्थकों के साथ नामांकन किया। नामांकन करने के बाद जी नगर जुलूस के साथ उपखंड कार्यालय से रवाना हुआ। जुलूस नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ नगर पालिका के बाहर परिसर में संपन्न हुआ, जहां आम सभा आयोजित की गई। कपासन वर्तमान विधायक अर्जुन लाल जी नगर का ढोल नगाड़े व फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। सर्वप्रथम भाजपा के वरिष्ठ नेता शांतिलाल बिरानी से आशीर्वाद लिया गया। वही उपखंड कार्यालय के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक अर्जुन लाल जी नगर को 51 किलो की फूल मालाओं से स्वागत किया और उपखंड कार्यालय से 5 बत्ती चौराहा बस स्टैंड पर तक डीजे साउंड के साथ पैदल यात्रा करके जुलूस निकाला। जुलूस में जगह जगह अर्जुन लाल जी नगर का ग्रामीणों ने स्वागत किया। उद्बोधन में वर्तमान विधायक अर्जुन लाल जी नगर को भारी मतों से विजय कराने की अपील की तथा सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ व्यक्ति शांतिलाल बिरानी, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जाट, भाजपा जिलाध्यक्ष रतन लाल गाड़ी, भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रेखा व्यास, कपासन नगर पालिका चेयरमैन दिलीप व्यास, भाजपा प्रदेश मंत्री अशोक चंडालिया, भाजपा जिला संयोजक विश्वनाथ टांग, दिल्ली से आए भाजपा कपासन विधानसभा प्रभारी राजेश कुमार सहित कहीं पार्टी पदाधिकारी एवं सैकड़ों कार्यकर्ता का जनसैलाब नामांकन रैली एवं जनसभा में शामिल हुए। खबर आपकी राजस्थान से रतनलाल की रिपोर्ट।